पूरा फ्रीज हो गया भाई। और यहाँ पे ब्लैक आइस है, हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन गोइंग। देखो बीच बीच में पूरा जमा पड़ा है, बर्फ के शार्प नाइफ्स बने हुए हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, तो जैसा आप लोगों ने कल देखा कि मैं काल्पा आया था, तो मैंने कल आपको रूम भी दिखा दिया अपना जैसा था। तो आज मैं निकल रहा हूँ काजा के लिए, सामान मैंने बाइक में लगा दिया है, निकलते हैं जल्दी से और आपको बाइक में मिलते हैं। हवा बहुत तेज़ चल रहा है तो थोड़ा ठंड इसलिए है, वैसे धूप है बहुत अच्छा खासा तो मैं फील नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही हवा चलता है ना तो बहुत ज़्यादा। All right, so it's time to say goodbye to Kalpa. बहुत ही सुंदर जगह है यार, बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ पे। कोल स्टार्ट कर लिया बाइक को मैंने, काजा दिखा रहा है 5 hours 47 minutes, 217 किलोमीटर है, निकलते हैं जल्दी से। फाइनली गोइंग टू स्पीति वैली, काजा विल बी द टारगेट टुडे। तो मैंने काजा में एक होम स्टे में कॉल किया, वहाँ से पूछा कि स्नोफॉल उफॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रूम्स अवेलेबल है कि नहीं है। रूम्स अवेलेबल है और स्नोफॉल भी नहीं हुआ है अभी तक। तो रोड्स आर ओपन एंड वेदर भी एकदम क्लियर दिखा रहा है, कहीं पे भी क्लाउड्स नहीं है, नो रेनफॉल नो स्नो। मैंने रेन लाइनर को बाहर ही रखा हुआ है, बाई चांस अगर ठंड लगे तो रेन लाइनर पहन लूँगा ऊपर से। पेट्रोल अभी काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल ट्रिप हो चुका है अभी 725 किलोमीटर्स का फ्रॉम नोएडा और गाज़ियाबाद। टाइम हो रहा है 10:25, मैं ऑलमोस्ट निकला हूँ, 10:15 को निकल गया था। मैं आराम से ही निकला, जल्दीबाजी नहीं किया, आराम से ब्रेकफास्ट वेकफास्ट कर लिया करके निकल रहा हूँ, जैसे कि और बीच में रुकना ना पड़े। अभी आराम से 2-3 घंटे चला सकूंगा, फिर देखेंगे लंच के लिए रुकेंगे। तो मैंने कुछ सुबह ड्रोन शॉट्स लेने का ट्राई किया है, आपको होपफुली अच्छे लगे होंगे वो ड्रोन शॉट्स। बहुत ज़्यादा हवा चल रहा था, ड्रोन उतना स्टेबल नहीं हो रहा था, इधर स्नोफॉल नहीं हुआ है बोल के टूरिस्ट भी नहीं आ रहे उतना, पूरा खाली है वहाँ पे साइड में, आइस फ्रीज हो गया बेसिकली, इतना ठंड है ना। माइनस रात को -5 degrees टेम्परेचर था, रूम के अंदर फील नहीं हो रहा था बिकॉज हीटर वीटर चल रहा था और पूरा इंसुलेटेड था रूम, बाहर में नेगेटिव में टेम्परेचर था। देखो ये देखो, इससे ही थोड़ा संभल के चलना है। तो गाइज वो है सतलुज रिवर, इतना अच्छा लग रहा है देखने में अभी। तो हम कनेक्ट होने वाले NH5 में, दैट विल टेक यू डायरेक्टली टू काजा। अभी हम थे NH505A में, इधर से सीधा चले जाओगे तो आपका नारकंडा आता है, 159 किलोमीटर्स। So here we are going towards Kaza. तो Kaza is 196 kilometers from here. 5 hours 5 minutes दिखा रहा है अभी भी, और ये साइड में सतलुज रिवर बह रहा है, इतना सुंदर लग रहा है ना देखने में। कुछ फोटोज ले लिए, कुछ वीडियोस ले लिए, आज मैंने इसे ट्राइपॉड निकाल दिया, सही से फोटोज वोटोज लूंगा, जो सीनिक व्यूज आने वाले। लुक एट द फ्लो गाइस, लुक एट द फ्लो, कितना मस्त लग रहा है। ये देखो वाटरफॉल है, थोड़ा बहुत फ्रोजन है नेगेटिव टेम्परेचर की वजह से। कैसा एकदम अजीब सा लग रहा है। देखो यहाँ पे भी क्या रोड बना के रखा है यार, यहाँ पे मस्त रोड है। आई थिंक ताबो तक तो रोड बहुत अच्छा है मुझे लगता है। हम पहुँचने वाले हैं पू, ये शायद सामने वो पू का विलेज है या टाउन है, कुछ ही बोलो। तो मुझे इस जगह का एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, पर दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे सतलुज रिवर और स्पीति रिवर मिलती है बेसिकली। तो दिस इज़ द स्पीति रिवर एंड दिस इज़ द सतलुज रिवर, आई गेस दिस इज़ द सतलुज रिवर। एंड लुक एट दिस व्यू, यहाँ से सीधा ऐसा लग रहा है ना माउंटेन्स का अम्ब्रेला बना हुआ है। भाई साहब रिवर का फ्लो देख रहे हो यहाँ पे, कितना खतरनाक है ना। निकलते हैं आगे, यहाँ पे थोड़े बहुत फोटोज़ लिए मैंने। काजा और 136 किलोमीटर्स है यहाँ से। लास्ट टाइम जब मैं इस रास्ते से वापस जा रहा था ना, इतने हड़बड़ी में था बिकॉज मैं नागपुर से शुरू किया था और मुझे पहुँचना था गुड़गांव उसी दिन। तो इट वॉज़ ऑलमोस्ट 12-13 hours 14 hours जर्नी, तो मैंने सोचा कि कहीं रुकना नहीं है कुछ नहीं, ये सब ब्यूटी ये सब सारे व्यूज़ ना मेरे से मिस हो गए थे।
कैप्चर नहीं कर पाया था सही से। ये तो लग रहा रास्ता पूरा ढह गया था यहाँ पे। नाको 14 किलोमीटर बस यहाँ से। लुक एट दी व्यू गाइज यहाँ से। मैं 1 मिनट के लिए रुका क्योंकि मुझे रेनकोट पहनना है, रेन लाइनर पहनना है, बिकॉज जो ठंडा हुआ है ना बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो रेन लाइनर पहन लेता हूँ। और वो शायद नाको विलेज है, मलांग विलेज है, समथिंग लाइक दैट। वहाँ तक पहुँचना है, फिर रुकेंगे वहाँ पे कुछ चाय वाय पीने के लिए मोस्ट प्रोबली। तो गाइज आई एम नियर नाको विलेज और अभी मैं रुका हूँ कोसी ढाबा में फॉर सम। मैंने मोमोज ऑर्डर किए एंड चाय। डैम कोल्ड, आई हैड टू वेयर दिस रेनकोट। एंड नाको विलेज एकदम सामने ही है तो नाको विलेज के जस्ट बाहर रुका हूँ। सो दिस इज द नाको हेलीपैड। लास्ट टाइम भी मैं यहाँ पे आया था। जनरली विंटर के टाइम में ये पूरा स्नो से कवर्ड होता है एंड मैं उस साइड में कहीं पे रुका था। लुक एट द माउंटेंस फ्रॉम हियर। थोड़े बहुत टॉप पॉइंट्स में थोड़े बहुत स्नो है, यू कैन सी हियर। तो ये आ गई हमारी चाय एंड चाय विद अ व्यू। देखो हमारे पपीज खेल रहे हैं। तो हम निकलते हैं अब फॉर काजा। मैं चाहता हूँ कि धूप रहते रहते मैं पहुँच जाऊँ क्योंकि धूप चली जाती है ना फिर बहुत ठंड लगता है यार। तो 5 बजे तक अगर पहुँच जाऊँ तो सही है, पर मेरा तो बीच में एक दो बार रुकना भी हो ही जाएगा इधर उधर। चलो चलते हैं, देखते हैं कब तक पहुँचेंगे, उतना टेंशन नहीं लेने का। चलो हे, देखो पपीज को मजे कर रहे हैं गर्मी में धूप में। हाँ इधर से सीधा चले जाओगे तो नाको विलेज एंटर कर जाओगे, बट इस बार तो हम नाको विलेज नहीं जा रहे। सो काजा इज 100 किलोमीटर्स अवे, 102 या 103 है कुछ, दिखा देख नहीं पा रहा मैं धूप की वजह से। ताबो के बाद ना थोड़ा रास्ता ख़राब हो जाता है और ऊपर से स्टोन्स भी गिरते रहते हैं तो वहाँ पर थोड़ा संभाल के चलाना पड़ता है। तो इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि थोड़ा जल्दी पहुँच जाओ, लाइट रहता है तो वहाँ पर वो जगह क्रॉस करने के लिए एटलीस्ट। देखो ये वाटरफॉल, देखो पूरा फ्रीज हो गया भाई। ओ और यहाँ पे ब्लैक आइस है, सो आई टू बी वेरी केयरफुल ऑल गोइंग। पहले इनको जाने दो फिर हम देखते हैं कहाँ से जाएंगे। आराम से अभिषेक, दैट वाज नाइस। वो पहाड़ कितने सुंदर लग रहे हैं यार देखने में, कितना सुंदर लग रहा है। लास्ट टाइम जब इधर से जा रहा था थोड़ा बहुत रोड्स बन रहे थे, इस बार मैंने ऑलमोस्ट बन चुका है सब कुछ ही। अभी हम लोग बिल्कुल स्पीति रिवर के बगल बगल में चलेंगे। सिटी में रह के ना कभी पता ही नहीं चलता चलता स्काई का एक्चुअल कलर। देखो इतना ब्लू है ना स्काई, मैंने ऐसा लग रहा है कि क्रिस्टल क्लियर पेंटिंग है, मतलब क्रिस्टल क्लियर कलर करके रखा है किसी ने ब्लू कलर। और सेम एकदम पानी में रिफ्लेक्ट हो रहा है, पानी भी ऐसी ब्लू है ना एकदम, क्या सुंदर लग रहा है यार। तो गाइस अभी मैंने सुमडो क्रॉस किया। सुमडो में आपकी एंट्री होती है और अभी 100 रुपीज़ चार्ज भी करने लगे, पता नहीं। पहले तो मैं एक्चुअली मनाली के साइड से आया था तो उधर से कोई पैसा मुझसे लिया नहीं था। इधर से अगर आओगे तो आपको 100 रुपीज़ देना पड़ेगा फॉर बाइक, अभी तो कार्स के लिए आई थिंक 300 रुपीज़ है। तो सुमडो के वहाँ पे आपको कैमरा वैमरा सब बंद करके रखने पड़ते हैं क्योंकि वो चेक पोस्ट है। ये रिवर देख रहे हो गाइज, देखो बीच बीच में जमी पड़ी है रिवर, क्योंकि यहाँ पे धूप नहीं गिर रहा है ना तो देखो बीच बीच में पूरा जमा पड़ा है साइड साइड में। उधर देखो उस साइड रिवर का पूरा, रिवर का जितना साइड वाला पार्ट है ना पूरा जमा है भाई। माइनस में टेम्परेचर जा रही है यहाँ पे, -25 समथिंग लाइक दैट, तो ऑब्वियसली जमेगा ही और ऊपर से धूप नहीं गिर रहा इस जगह पे। अभी थोड़ा डिफिकल्ट वाला रोड शुरू हो जाएंगे, इसी रोड में थोड़ा सा टाइम लगता है, दैट्स इट 74 किलोमीटर्स। बीच में ब्लैक आइस होने का भी बहुत चांसेस है यहाँ पे, तो संभल संभल के चलना होगा। देख रहे हो ये साइड साइड में पूरा जमा पड़ा है। तो अगर इधर से आप चले जाओगे ना, दिस इज़ ग्यू विलेज और ग्यू मोनेस्ट्री भी इधर ही होगी, तो मैं अभी इधर नहीं जा रहा, मैं आने के टाइम यहाँ पर ये एक बार देख के आऊँगा ग्यू मोनेस्ट्री कल। बेसिकली कल थोड़ा सुबह जल्दी जल्दी निकल जाएंगे, ग्यू मोनेस्ट्री देखेंगे फिर नारकंडा चलेंगे। तो बेसिकली आपको सिर्फ 70 किलोमीटर का जो है रोड है तो थोड़ा सा ऐसा मिलेगा सकरा, बाकी तो लाइक मोस्ट ऑफ द रोड्स आर रियली गुड, रियली ना मैंने 80% रोड इज़ वेरी गुड। इवन आप फैमिली के साथ आना चाहते हो ना गाड़ी में तब भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रीम है देखो पूरा फ्रोजन है। मैं रुक गया था गोप्रो का बैटरी चेंज करने के लिए, एक तो ये बैटरी जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाती है और ऊपर से गोप्रो भी हैंग करने लगा है। आगे ना एकदम खतरनाक सा एरिया आने वाला है
यहाँ पे हमेशा पत्थर गिरते रहते हैं, इससे ये जगह से ना मुझे बहुत डर लगता है। एकदम पूरा स्लोप है ना, पत्थर कभी भी गिरते रहते हैं ऊपर से, देख रहे हो कैसा है, एकदम हमेशा पत्थर गिरते रहते हैं ऊपर से, एकदम लूज स्टोन से पूरा भरा हुआ है ऊपर वाला पार्ट। थोड़ा सा भी हवा चलता है ना, पत्थर गिरना शुरू हो जाते हैं ऊपर से। ये रोड सही कर दिया यार, ये रोड लास्ट टाइम जब मैं गया था एकदम टूटा फूटा था ये रोड पूरा, एकदम नया बनाया ये। देखो पूरा फ्रीज होकर रखा है, बर्फ के शार्प नाइफ्स बने हुए हैं, खतरनाक लग रहा है देखने में। किसी सर पे गिर गया तो घुस जाएगा सर में एकदम पूरा डायरेक्टली। काजा और 60 किलोमीटर बचा हुआ है बस, और 2 घंटे में पहुंच जाएंगे मैक्स टू मैक्स। कैसा खतरनाक लग रहा है यार, देख कैसा स्ट्रेट रोड है एकदम। लारी विलेज, इस विलेज का नाम है लारी विलेज, ये कोई स्कूल है, विद्या मंदिर। यहाँ पे तो स्कूल्स विंटर में पूरी बंद हो जाती होगी क्योंकि इतना स्नो रहता है। क्या व्यू है यार, क्या व्यू है, लेकिन ओनली थिंग मिसिंग हियर इज स्नो एंड नथिंग एल्स, बाकी एकदम परफेक्ट है। ये देखो सामने लिखा आ गया वेलकम टू ताबो, तो हम पहुँच गए ताबो। ताबो में एक मॉनेस्ट्री है, मड मॉनेस्ट्री, बेसिकली पूरा मड से बना हुआ मॉनेस्ट्री। मैं जब लास्ट टाइम मैंने स्पीति की थी तो मैं यहाँ पे गया था, अगर आपको देखना हो तो आप जाके मेरे पुराने ब्लॉग्स देख सकते हो। लास्ट टाइम मैं ताबो में रुका था एक दिन के लिए और मैंने पूरा अच्छे से मॉनेस्ट्री को एक्सप्लोर किया था, तो वीडियो में सब कुछ है, अगर देखना है तो आप लोग देख सकते हो जाके। ये बहुत सुंदर जगह है, बहुत अच्छा विलेज है, अंदर में यहाँ बहुत होमस्टेज है, आप लोग आके रह भी सकते हो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने लास्ट टाइम आया था तो काजा में 2 दिन रुका था, ताबो में 2 दिन रुका था, फिर नाको में 2 दिन रुका था, ऐसा करके मैं रुक रुक के गया था। कैसी बंजर जमीन है देखो, डेजर्ट लग रहा है पूरा देख के, ये पूरा स्नो कवर्ड होता है एकदम, अगर स्नोफॉल हो जाए तो। फाइनली रीच काजा, अभी रुका हूँ मैं सोनम होमस्टे में, एकदम रिवर के साइड में। इट्स डैम कोल्ड आउट हियर, आई थिंक इट्स नेगेटिव इन नेगेटिव। रूम इज रियली कोजी, मैं रूम एक बार आपको दिखा देता हूँ। बेड, आई थिंक इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट भी है देखो, एंड लॉट ऑफ ब्लैंकेट्स, एंड बैठने का जगह है यहाँ पे। एंड पर पर्सन इट्स 1200 इंक्लूडिंग डिनर एंड ब्रेकफास्ट, तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा डील है। मैंने कुछ और देखा नहीं, मैंने इनको कॉल किया था और सुबह, और मैं डायरेक्टली यहाँ पे आ गया।